नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मस्ताना अपने चैनल हंसिका म्यूजिक प्रोडक्शन के कार्यक्रम आज की बात सेलिब्रिटी के साथ में। मैं आज एक ऐसी सक्सेस से मिलवा रहा हूँ जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक टॉनिक है। आज के हमारे सेलिब्रिटी हैं जाने माने प्रख्यात राइटर शशि कुमार पांडे जी। अपने यूपी से हैं, यूपी अमेठी से, लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी इनकी है। ये कभी अमेठी गए नहीं, जन्म यहाँ हुआ और यहीं के होकर के रह गए, महाराष्ट्रियन। आइए हम शशि कुमार पांडे जी से मिलवाते हैं आपको। शशि बाबू नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज की बात सेलिब्रिटी के साथ। सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप कुछ बताइए कि आप अमेठी के होकर के अमेठी अभी तक नहीं रहे, क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन ये है हमारे लिए है आपसे। भाई, इसका जवाब यही है कि हम हमारे पिताजी यहाँ आए तो वापस गए नहीं, और यही कारण है कि अमेठी नहीं गए। मतलब पिताजी यहाँ आए तो पिताजी नहीं गए तो आप भी नहीं गए। एक बार अपना तो वहाँ देखना चाहिए ना, जहाँ पूर्वजों की जन्मभूमि है आपकी। वो मतलब तो जन्मभूमि तो आपकी खैर मुंबई हो गई, लेकिन वो पूर्वजों की जन्मभूमि है, तो एक बार देखने का इच्छा नहीं हुआ? होगा, जब हमारे राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री तब हम जाएंगे। अच्छा, राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री तब जाएंगे। दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात कही है पांडे जी ने कि राहुल जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब ही अमेठी जाएंगे। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली कहानी साबित करने वाले हैं पांडे जी। खैर, हम पांडे जी के फिल्मी सफर पे प्रकाश डालते हैं, हम आते हैं यहाँ पर इनके फिल्मी सफर पे। पांडे जी, आप सबसे पहले ये बताइए सर कि आप राइटिंग को करियर कैसे बनाए? आप यहाँ पर तो मुंबई में आर्थिक राजधानी है हमारे देश की, यहाँ तो बहुत सारे क्षेत्रों में आपके लिए मतलब मौका था, मुंबई वासी आप हैं ही, तो फिर आपने राइटिंग को करियर कैसे बनाया, मेरे को सबसे पहले ये बताइए आप मेरे दर्शकों को। हाँ भाई, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा परिवार। पढ़ा लिखा हमारा पूरा है परिवार, बचपन से ही काफ़ी किताबें हमारी मित्र रही हैं। कॉलेज के दिनों में भी यही सब ही होते थे, नाच गाने ड्रामा। तो जब पढ़ाई पूरी हो गई उसके बाद सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो जहाँ पर मन लगता था तो फिर वहीं पर ही काम किया जाए। लिखने का शौक तो बचपन से ही था, सोचा क्यों ना लिखने में आया जाए, तो उसके हमने सिनेमा को ज्वाइन किया। आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में मतलब काम करना कितना चैलेंजिंग लगा, मतलब कैसा लगा कि मतलब कैसा लग रहा है? क्योंकि आज के डेट में ये स्थिति है कि एक जमीन पर से मिट्टी का अगर ढेला, जिसको कहते हैं ढेला, समझ रहे ना, मिट्टी का, उसको उठा कर कैसे अगर मारेंगे तो वो जहाँ जा करके किसी को लगेगा तो वो कोई ना कोई राइटर ही होगा, वो चाहे गाना लिखने वाला राइटर हो या कहानी लिखने वाला राइटर हो, मतलब लेकिन राइटर को ही लगेगा। इतना तय है, इतने मतलब भरमार हो गई है राइटरों की। आपको कैसा लगता है मतलब अभी यहाँ पर लिखना? आप तो खैर तीन चार फिल्में लिख चुके हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं अभी आपसे आगे आऊँगा उस पर। आप क्या कहेंगे राइटरों के बारे में, कितना सेफ जोन है मतलब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री? सबका अपना अपना टैलेंट है, अपनी अपनी मेहनत है। हम जिसके पास काम करते हैं, जिसको अपनी कहानियाँ देते हैं, अगर वो सक्षम है फिल्म बनाने से लेकर रिलीज करने से लेकर, तो आप वो सफल होंगे। सर, टैलेंट तो बाद में आती है ना, पहले तो मैंने ये होता कि ब्रेक कौन देगा, टैलेंट तो जब वो मौका मिलेगा तब ना दिखाएगा, यहाँ तो ब्रेक ही नहीं मिलता है। ब्रेक के मामले में मैं तो बहुत भाई साहब खुशनसीब रहा, वो चीज़ दिख रहा है। ब्रेक के मामले में तो खुशनसीब रहा, क्योंकि हमारी ओपनिंग ही एकता कपूर जी की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म से हुई, मतलब सीरियल से शुरुआत, सीरियल से शुरुआत हुई। कसौटी जिंदगी के एक सीरियल है सफल। हाँ, कसौटी जिंदगी की सफल सीरियल बराबर, उसमें हमने काम किया। फिर ईगल फिल्म से एक जमाने में बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उमेश मेहरा, प्रकाश मेहरा, राजीव मेहरा जी। हाँ। तो राजीव मेहरा जी के पास मैंने सन्नू की शादी सीरियल किया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सीरियल किया। अच्छा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सीरियल किया। चार पांच साल सीरियल लाइन में काम करने के बाद सिनेमा की ओर मन किया, तो ऐसे ही काम के सिलसिले में दो चार ऑफिस के धक्के खाए,
तो सुनील दर्शन धर्मेश दर्शन जी के ऑफिस में हमें काम मिल गया। अच्छा, मतलब एज ए राइटर। हाँ, तो उनके पास हमने किया फिल्में की, फिर धीरे धीरे ऐसे लोग मिलते चले गए, काम होता चला गया। और मैं तो जब से सिनेमा में आया हूँ इस सिनेमा को एंजॉय ही कर रहा हूँ। और ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं तो एक दिन भी घर नहीं बैठा। बिल्कुल, हमेशा से ही काम रहा मेरे पास। और ईश्वर यही चाहे कि आप एक दिन बैठे भी। बस ये है कि जो लोगों के साथ मैं जुड़ता हूँ, जुड़ने से पहले पूरी तरह से जांच कर लेता हूँ कि ये बनाकर सिनेमा हॉल तक लेकर आ सकते हैं क्या, तो ही मैं उन्हें अपनी कहानियाँ देता हूँ। अच्छा सर, मुझे जरा भी डाउट आ जाता है कि ये बना नहीं पाएंगे तो फिर मैं उन्हें नहीं देता। चलिए सर, पांडे जी ने ये बताया कि मैं डाउट जहाँ होता है तो मैं उनको कहानियाँ नहीं देता हूँ। मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने कभी अपना पैसा नहीं देखा, मैंने हमेशा पूरी फिल्म का पैसा देखा। पिक्चर के पैसे कहाँ है वो देखा। हाँ, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। पूरी पिक्चर के पैसे देखने के बाद मैं फिल्म लिखता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे देने से और घर में वो रख लेंगे ऐसे तो वो नहीं होगा ना। मुझे जब तक पूरे पैसे नहीं दिखाएंगे तब तक हम फिल्म नहीं करते। जी बहुत अच्छा पांडे जी, से अभी आपने बहुत कुछ ज्ञान लिया। आप देखिए किस तरह की सोच रखते हैं पांडे जी, ये पूरी फिल्म की पैसा देखते हैं उसके बाद अपना पैसा लेते हैं। बहुत अच्छा विचार है पांडे जी, हम इसकी स्वागत करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ, अभी लेटेस्ट फिल्म पांडे जी की शूट हुई है सतरंगी, DKP फिल्म्स और SRK म्यूजिक की मतलब फिल्म है, प्रेजेंटेशन है। तो सतरंगी के बारे में पूछते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं कि किस तरह का मिर्च मसाला आपने रखा है फिल्म में। पांडे जी, सतरंगी के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताएंगे हम दर्शकों को। सतरंगी बहुत ही मैसेज वाली फिल्म है, क्योंकि मैसेज देने में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा है। 3-4 साल पहले गोवा में एक फॉरनर लड़की थी, स्कारलेट नाम की, उसका अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद ऐसे बहुत सारे विदेशी जो यात्री होते हैं वो यहाँ हिंदुस्तान घूमने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ जो अराजक तत्व होते हैं वो उनके साथ लूटपाट करते हैं, हत्या करते हैं, उन्हें जान से मार देते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। तो उस घटना ने मेरे दिमाग को चोट पहुंचाई थी और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो हमारी गवर्नमेंट को पैसा देते हैं डॉलर में, पाउंड में, इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। और वो जब यहाँ आते हैं तो हमारे कुछ गलत टाइप के लोग होते हैं देश के, वो उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, कहीं कहीं हत्या कर देते हैं, कहीं पर अपहरण कर लेते हैं, कहीं पर बलात्कार कर देते हैं। तो लोग ऐसा ना करें, और ऐसा काम करने से गलत हो सकता है आपके साथ। इस चीज़ को और विदेशी सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या नियम बनाए जाएं, क्या कानून हो, कैसे वो सुरक्षित हों, तभी हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। बाहर से लोग आते हैं वो हमें पैसा देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, यहाँ से अच्छी चीज़ें सीख कर जाकर 4 लोगों को बताते हैं तो अगली बार वही लोग 8 लोगों को लेकर आते हैं। तो हमारी फिल्म सतरंगी बेसिकली विदेशी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर है। हमने थोड़ा सा उसमें हॉरर, रोमांस और प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें डाली। सतरंगी का मैं आपको पहले मतलब बता दूँ, सतरंगी का मतलब होता है इंद्रधनुष, इसे कहते हैं रेनबो। तो सतरंगी मीन्स 7 कलर्स ऑफ लाइफ, जीवन के 7 रंग। ये हमारा जो इंद्रधनुष है फिल्म, ये बादलों वाला इंद्रधनुष नहीं है, ये जीवन के 7 रंग है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्स्य, ये जीवन के 7 महत्वपूर्ण रस माने जाते हैं। और इन्हीं 7 रसों के ऊपर हमने इस कहानी का ताना बाना बुना। इसमें दर्शकों को रहस्य, रोमांच, प्यार मोहब्बत, रिवेंज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्हें दर्शकों को मिलेगी। और ये फिल्म निश्चित तौर से सफल होगी और विदेशी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लोग जागरूक होंगे। और अतिथि देवो भव जो हमारी परंपरा है देश की,
इस परंपरा पर लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमको लगता है। जी बहुत अच्छा, पांडे जी की फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत सारा मैसेज देगी सतरंगी। हम सतरंगी की सफल होने की कामना करते हैं और चाहते हैं कि बहुत जल्द फिल्म रिलीज हो, बहुत जल्द थिएटर में आए ताकि हम लोग देखें, क्योंकि जितनी चीज़ें बताएं तो इच्छा बढ़ गई है देखने की फिल्म की। पांडे जी आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आपने बताया कि आप हर राइटिंग में हर लेखनी में कुछ अलग करते हैं, जो आप दिखाए भी अभी बताए भी। कौन दोस्तों, एक फिल्म के कॉन्सेप्ट पूछने पर एक राइटर से पूछा जाए तो इधर उधर घुमा करके बहुत शॉर्ट में बताता है, लेकिन पांडे जी ने अपने पास आप लोग के लिए कुछ रखा ही नहीं, पूरी फिल्म की कहानी ही कह दी है कि सतरंगी में हमने क्या लिखा है, क्या दिखाया है। जीवन के सात रंग, वो सातों रंग को दिखाया गया है। दूसरी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात कि विदेशी सैलानी हमारे यहाँ आते हैं तो वो सुरक्षित यहाँ से जाए और उनकी कद्र की जाए, क्योंकि वो हमारे लिए अतिथि हैं और अतिथि देवो भव हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो इसका पूर्णतः पालन होना चाहिए, इस शब्द का पालन होना चाहिए, लोग को समझना चाहिए। रेप बेस्ड फिल्म है, गोवा में जो हुआ था उस पर आधारित फिल्म है सतरंगी। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई पांडे जी। नहीं नहीं, गोवा पर आधारित नहीं है, हमने एक कल्पना की। अच्छा, हमने कल्पना की किसी भाई विदेशी सैलानी को बलात्कार करके मार दिया जाएगा तो आगे क्या होगा, लेकिन मतलब गोवा वाली घटना से पांडे जी इंस्पायर हुए। हां, नहीं तो क्या होगा, उसके ऊपर बहुत लोगों ने फिल्म बनाई है तो लोग हमारे ऊपर चोरी करके डाल देंगे। जी जी जी, उस घटना पर ऑलरेडी फिल्में बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, तो उस घटना से हमारी फिल्म का कोई संबंध नहीं है। जी नहीं, नया और ताजा ताना बाना है, हमने जो है मौत के बाद की स्थिति को सामने लाया है। कुछ विज्ञान का भी सहारा लिया है, संगीत का भी सहारा लिया है, रोमांस का भी सहारा लिया है, सस्पेंस थ्रिलर क्राइम हर चीज का एक ताना बाना बुना है। तो इस तरह से जो है हम उम्मीद करेंगे कि सतरंगी एक सफल फिल्म होगी। जरूर जरूर सर, हम लोग की शुभकामना है आपकी इस फिल्म के लिए। सर आप हमारे कार्यक्रम में टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बोलने का मौका मिला, और हम चाहेंगे कि आपका चैनल ऐसे ही दिन दुनी रात चौंगी तरक्की करते रहे। पांडे जी की शुभकामना हमारे चैनल के लिए, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक ऐसे राइटर, पहली बार एक राइटर एक दूसरे राइटर से मिल रहा है और देख करके, लेखनी देख करके, उनकी बातें सुन करके हम वास्तव में इंस्पायर हुए पांडे जी से। दोस्तों अब इजाज़त दीजिए मनोज मस्ताना को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और कॉमेंट्स भी।